नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। वैसे हमारे घर पर हमारे किचन में बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे जीवन की जो चल रही हैं समस्याएं हैं, दर्दता है, सारी के सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। किचन में जो वह चीज़ें होती है सबका इस्तेमाल करते हैं भोजन को बनाने में, भोजन का स्वाद बढ़ाने में, लेकिन एक ऐसे मसाले के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ जिसके बिना भोजन तो बनना असंभव ही होता है। बिना उसके जो भोजन का स्वाद, भोजन दिखने में स्वादिष्ट नहीं होता है। अब आप समझ ही गए होंगे, उसका नाम जो हल्दी है, क्योंकि हल्दी एक ऐसा मसाला में आता है जिनके बिना भोजन जो है सूना सूना दिखता है। यदि भोजन में हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाए, चाहे सब्जी में या दाल में, कोई भी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हल्दी और नमक। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये जो हल्दी की गांठ होती है, हल्दी का जो रंग होता है पीला होता है, लेकिन हल्दी के जो 10 चमत्कारी प्रयोग के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। शायद आज के पहले आप लोगों को इतना जबरदस्त हल्दी के चमत्कारी प्रयोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो हल्दी के जो चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखा जाए, धार्मिक उपाय से भी देखा जाए, हर तरीके से हल्दी बहुत ही कारगर होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस हल्दी के कुछ ऐसे ही धार्मिक उपाय की ही बात करेंगे, जो हमारे जीवन में जो चले समस्याएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, बाधाएं हैं, कार्य में सफलताएं नहीं मिलती हैं, नौकरी व्यापार हर तरीके में अगर वृद्धि चाहते हैं, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास चाहते हैं, तो यह हल्दी आपके लिए हर तरीके से सहायता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कैसे, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग ये जो हल्दी होती है, वैसे हल्दी का रंग पीला होता है और हल्दी जो है गांठ के रूप में भी मिलती है, कच्ची हल्दी भी मिलती है और हल्दी का पाउडर भी मिलता है, तो हर तरीके से यह मिलता है हल्दी। लेकिन किस तरीके से किसका उपाय किया जाता है, यदि पहला नंबर किसका धार्मिक उपाय की बात किया जाए, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हल्दी बहुत ही फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति, यदि आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी को सही तरीके से यदि आप इसका उपाय करते हैं, तो भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन, वैसे गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का ही दिन होता है, गुरुवार के दिन यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी याचक को, किसी भिक्षु को यदि आप हल्दी का दान करते हैं, तो इस काम को करने से भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपका गुरु ग्रह जो होता है मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होने से क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। इस कारण से आप जो गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान अवश्य करें। केले की जड़ में जो हल्दी से पूजा यदि आप करते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य जो है हमेशा ठीक रहता है। ठीक है, दूसरा नंबर के इस हल्दी का जो है चमत्कारी उपाय की अगर बात किया जाए, आपके घर में यह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके घर की बाउंड्री वाली दीवारें जो होती हैं, बाहर की तरफ में जो घर की बाउंड्री वाली दीवारें होती हैं, या जो घर का मुख्य दरवाजा का दीवार होता है, यदि आप जो उस जगह पर हल्दी की रेखा से, हल्दी से अगर कोई रेखा खींच देते हैं, तो उस रेखा के जो अंदर जो क्या होती है, कोई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हल्दी जो चीज होता है बहुत ही पवित्र चीज है। इस कारण से यदि हल्दी से कोई लाइन खींच देते हैं, तो कोई अशुद्ध, कोई शैतानी शक्तियां, कोई नकारात्मक शक्तियां उस रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, तो इस काम को आप अवश्य इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नंबर का इसके जो धार्मिक उपाय की अगर बात किया जाए, तो हल्दी का यूज करने से क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक तरीके से शुद्धता हो जाती है। आप जो हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते हैं, तो आपको इंटरनली यह शुद्ध करता ही करता है, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पर अर्थात मन को भी शुद्ध करता है और बाकी जो शरीर के जो भी पार्ट होते हैं उसको भी शुद्ध करता है। लेकिन कैसे, आप जब भी स्नान करने जाते हैं, तो नहाने वाले पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके यदि आप जो है स्नान करते हैं, तो आपका तन मन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और आपको करियर में सफलताएं मिलती है। इस काम को करने से क्या होता है, अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको कोई कार्य करने में बाधा उत्पन्न करे, तो वह नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। यदि आप जो प्रतिदिन
आप नियमित रूप से इस काम को करेंगे तो अवश्य आपको करियर में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगला नंबर के इसके उपाय की बात किया जाए तो अगर जब अभी आप सोते हैं तो सोते वक्त आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, गंदे गंदे ख्याल आते हैं, भयानक सपने दिखते हैं, रात में चलने लगते हैं, रात में रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी या किसी भी परिवार के सदस्य के साथ बनती है तो आप जो हल्दी की गांठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको एक हल्दी की गांठ लेना है और हल्दी की गांठ में आपको मोली धागा से बांध करके जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, रात में स्वप्न का भयानक स्वप्न देखता है, यदि आपके साथ होती है तो आप ही कर सकते हैं या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ होता है तो उसके साथ कर सकते हैं। तो जिसको भी सपने में बुरे बुरे सपने आते, बुरे बुरे ख्याल आते, भयानक सपने आते, उसके सिरहाने, उसके तकिया के नीचे हल्दी की गांठ में मोली धागा बांध करके आप बस रख दीजिए, बुरे बुरे सपने नहीं आ सकते, भयानक जो सपने हैं बिल्कुल ही आने खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर का हल्दी का उपाय बहुत ही अच्छा और हर व्यक्ति के कर ही लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग होते हैं जिनका विवाह संपन्न नहीं होता, जिनका विवाह लगता ही नहीं, विवाह होता है लेकिन कट जाता है, तो किसी कारणवश से विवाह योग उनका नहीं बन रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो उनको अवश्य ही चाहिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लग गया तो उनके घर में अर्थात तो उनका जो विवाह का योग जो है बहुत ही जल्दी बनेगा। इसके लिए क्या करना, आपको हल्दी की गांठ लेकर के या हल्दी का पिसा हुआ एक पुड़िया बनाना है। ठीक है, तो हल्दी की गांठ या हल्दी की एक पुड़िया जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्रकला के पीछे छिपा करके यदि रख देते हैं तो उस जो युवक का या युवती का जल्द ही विवाह के योग जो है क्या होता है बन जाता है, शीघ्र विवाह योग जो है बन जाता है। ठीक है, अगला नंबर के इसके जो उपाय देखा जाए इस हल्दी का, आप कोई कार्य करते उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, लंबे दिनों से कार में लटके हुए हैं उसके बावजूद भी कार होने वाला रहता लेकिन कार जो आपका विफल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, गणेश जी को जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो घर से बाहर निकलने वाले रहते हैं, उस इस समय आपको कार्य करना है। कोई भी कार्य करने जाते हैं और आपको पता है कि इस कार्य में विफलता मिल जा रही है लेकिन आप इस काम को एक बार करके जाएं, क्योंकि जहां पर जो है दैवी शक्तियों का आशीर्वाद रहता है ना वहां पर आपका काम 100% सफल होता ही होता है। ओके, तो जब आप घर से बाहर निकलने से पहले आप क्या करें, हल्दी लीजिए और हल्दी से गणेश जी को हल्दी का टीकाकरण करिए। ठीक है, गणेश जी को हल्दी से क्या करिए, तिलक लगाइए, साथ ही साथ उसी हल्दी में से, दोबारा नहीं लेना है, उसी हल्दी का तिलक जो है अपने भी माथे पर कर लेना। यदि आप ऐसा काम करके घर से बाहर किस जिस काम को करने के लिए जाते हैं निकल जाते हैं तो उस कार्य में 100% भगवान गणेश की कृपा लगेगी और आपके रास्ते के जो विघ्न है जिस कारण से आपके काम में रुकावटें हो रही थी वह विघ्न और परेशानियों से हट जाएगा और आपका कार्य जो है सफल अवश्य ही होगा। ठीक है, अगला नंबर की अगर इसका हल्दी का धार्मिक उपाय की बात किया जाए तो वैवाहिक जीवन जो चल रहा है आपका उसमें जो हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, सुख नाम की चीज खत्म हो गई, तलाकनामा की स्थिति हो गई है, घर में लड़ाई झगड़े प्रेम बिल्कुल ही खत्म हो गए, तो आप क्या करिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहता कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बने रहे तो आप जो नियमित पूजा करिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आप पूजा करिए, साथ ही साथ भगवान विष्णु और जब माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं तो एक चुटकी हल्दी जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जरूर ही अर्पित करें। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके घर में जो वैवाहिक जीवन चल रहा है उसमें सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, घर में प्रेम बढ़ता है तथा घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य जो बिल्कुल ही ठीक रहता है। ठीक है, अगला नंबर का इस हल्दी का उपाय देखा जाए तो आपका धन जो है कहीं पर अटका हुआ है, फंसा हुआ है और आपका पैसा मिलने की संभावना कम हो चुकी है, तो इस स्थिति में आप जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको चावल लेना, थोड़ा सा चावल, ठीक है, थोड़ा सा 11 दाने चावल का ले लीजिए या 7 दाने ले लीजिए और उस चावल को क्या करना है, हल्दी से रंग लेना है, मतलब हल्दी से ही पीला रंग बना लेना है। उस पीला रंग के चावल को आपको लाल रंग के कपड़े में कर करके, ठीक है, आपको सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में माता लक्ष्मी के चरणों के सामने समर्पित करके और 24 घंटा बाद उस चावल को, उस लाल कपड़े में जो आपने चावल को रखा उसको उठा करके यदि आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो बहुत ही जल्द ही आपका अटका हुआ जो धन फंसा हुआ रहता है उसको आने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है, आप कोई कार्य करते हैं उस कार्य में जो बाधाएं आती हैं
तो बाधा से मुक्ति करने के लिए जिसे विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, आपके विघ्न को कौन समाप्त कर सकता है? तो गणेश जी की कृपा जब लगेगी तो आपके विघ्न, आपके दुख, आपके कष्ट, परेशानी, सारे के सारे दुखों को खत्म कर देते हैं। तो भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। तो आप क्या करिए, बुधवार या गुरुवार को, ठीक है, बुधवार और गुरुवार को दोनों दिन यदि चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। तो बुधवार और गुरुवार को गणेश जी को यदि आप हल्दी की गांठ वाली माला बना करके अर्पित करते हैं, पहनाते हैं, तो गणेश जी की विशेष कृपा पड़ती है और गणेश जी जो विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, आपके जो जीवन में, जो आपके काम में किसी भी प्रकार के विघ्न आते हो उसको रास्ते से क्लियर कर देते हैं और आपका काम जो है वहां पर सफल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस उपाय को जरूर आजमा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो अगला नंबर का जो सबसे जबरदस्त उपाय और सभी लोगों के लिए उपाय करना जरूरी होता है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास करने के लिए, माता लक्ष्मी का घर में आगमन, क्योंकि माता लक्ष्मी जब घर में नहीं होती तो हर तरफ से पैसों की दिक्कतें रहती है, धन संबंधी समस्याएं रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होती है, सब जो बस पैसों के कारण होता है, आर्थिक तंगी की वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है। आप क्या करिए, लाल कपड़े में एक हल्दी की गांठ, ठीक है, लाल कपड़े में एक हल्दी की गांठ बांधिए, ओके। बांधने के बाद जो है 24 घंटा माता लक्ष्मी के चरणों के सामने उसको रखिए, वहां पर जो माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों से सिद्ध करिए। सिद्ध करने के बाद आप उस जो पोटली को उठा करके यदि आप अपने घर के तिजोरी में, गल्ला में, भंडार में यदि आप रख लेते हैं, तो इस काम को करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और हमेशा माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन योग बनाने की जो है प्रदान देती, आशीर्वाद देती। साथ ही साथ एक और उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, 7 चावल के दाने लीजिए, ठीक है, 7 चावल के दाने, अखंडित चावल नहीं होना चाहिए, खंडित चावल नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल मतलब बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए, खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए। उस 7 चावल के दाने को माता लक्ष्मी को पहले समर्पित करिए। माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण करिए। उच्चारण करने के बाद उस 7 चावल को उठाना है और जहां पर भी आप जो है आपका घर का किचन होगा उस किचन में चले जाए और जिस भी डब्बे में, जिस भी पात्र में आप जो हल्दी रखते हो, उस हल्दी के डब्बे में उस 7 चावल के दाने को बीचों बीच में ले जाकर के धंसा देते हैं और यदि इस काम को बराबर करते रहते तो आपके किचन में, आपके घर में, आपके गृह सामग्री में कभी जो किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। आपके घर में हमेशा धन अन्न जो हमेशा भरा रहेगा, अन्नपूर्णा देवी भी प्रसन्न रहेंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के आप भागीदार भी बनेंगे और आपके जीवन में सुख दुख हर तरीके से प्राप्त होगा। मैं जो कुछ भी ये उपाय बताता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे उपाय कारगर होते हैं, लेकिन हाँ, ये कारगर तभी हो सकते कि आप जो भगवान पर, आप जो दैवी शक्तियों पर कितना परसेंट भरोसा करते हैं। यदि आप 100% सच्चे दिल से, तन मन से यदि आप माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को अपना माता और पिता मान करके यदि आप इन उपायों को करेंगे, मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका हर उपाय कारगर होता है और आपके साथ में दैवी शक्तियां जब खड़ी हो जाती है ना, तो दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका दिन पलटने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इनकी कृपा जब होती है तो रंक भी राजा बन जाता है और राजा भी रंक बन जाता है। लेकिन इस उपाय को करेंगे तो मैं पूरा का पूरा तो नहीं कह सकता कि दैवी शक्तियों का आशीर्वाद आपको लगेगा, लेकिन 2% तो जरूर ही दैवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ में चलेगा, आपका जरूर कुछ लाभ होगा। इसलिए यदि आप इन उपायों को बार 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 करते हैं, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर के मुख्य द्वार पर अवश्य होगा, माता लक्ष्मी का चरण पादुका आपके घर में विराजमान होंगे और उस दिन से आपका दिन पलटने से कोई जो माइका लाल रोक नहीं सकता है, दिन दूना रात चौगुना वृद्धि उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा और इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो का लिंक जो है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर जरूर करिएगा।